मैं नुपुर शोरान, मेरे दादा लेट कैप्टन हवा सिंह, 2 times एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे देश के अर्जुन अवार्डी सबसे पहले जो कि बॉक्सिंग में थे, द्रोणाचार्य अवार्डी, भीम अवार्डी, उनके कई स्टूडेंट रह चुके हैं जो कि अर्जुन अवार्डी रह चुके हैं, मेरे पिताजी इंटरनेशनल बॉक्सर एशियन मेडलिस्ट हैं, भीम अवार्डी हैं और मैं खुद इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारी दिल्ली में हुई थी उसमें मैं क्वार्टर फाइनल्स तक गई थी। अभी अगले साल हम लोगों की उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी। मेरा अभी लक्ष्य है कि मैं हमारे देश के लिए उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक जीतूं और मैं अपने देश का नाम रोशन करूं। अभी ओलंपिक्स के लिए हमारे एशियन गेम्स है, उसमें क्वालिफिकेशन के ऊपर है, 5 weight है हम लोगों के, 51, 54, 57, 60, 66, 75, ये हमारे वेट्स हैं, उसमें क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं हमारे देश की। हाँ जी, उम्मीद तो है। मैं संजय कुमार, भीमवाड़ी बॉक्सिंग में इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ मैं। मेरे फादर कैप्टन हवा सिंह, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डी, 2 बार एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट और 9-10 time नेशनल चैम्पियन। मेरी बेटी नुपुर इंटरनेशनल प्लेयर है, अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वार्टर फाइनल में थी, नेशनल चैम्पियन है, वो भी इंटरनेशनल है। हम 3 पीढ़ियों से अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हम देश के लिए बॉक्सिंग खेल रहे हैं, हमें इस बात पर खुशी है और गर्व है। हम चाहेंगे कि 4th पीढ़ी भी आए, लेकिन अब उनके नाम से, कैप्टन हवा सिंह जी के नाम से, मेरे फादर के नाम से हमने अकेडमी चला रखी है यहाँ पे। उन्हीं की देन हाज ये बॉक्सिंग जो हमारे भिवानी में है, हरियाणा में है, सब उनकी देन है। उनसे पहले 85-86 से पहले यहाँ कोई बॉक्सिंग हरियाणा में जानता भी नहीं था, उन्होंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी यहाँ पे, सब उनकी देन है कि आज पूरा ओलंपिक में मेडल हरियाणा के हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल हरियाणा के हैं और यहाँ मेरे अकेडमी से भी ओलंपियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है, कौन चैम्पियन है, कौन मेडलिस्ट हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ से भी निकले हैं। बस दुख इस बात का है कि जो हमारे गेम को दर्जा छोटा दिया जाता है। एक क्रिकेट है, हमारे क्रिकेट के भगवान बोलते हैं तेंदुलकर साहब को, ऐसे ही बॉक्सिंग में भगवान बोलते हैं कैप्टन हवा सिंह को। उनका बेटा खेलता है तो मीडिया में रहता है, हम 3 पीढ़ियों से लगे हुए हैं, कोई मीडिया नहीं आता या कोई पब्लिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, उनसे काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट है हमारी, तेंदुलकर से भी, उनके बेटे से भी, हमारे 3री पीढ़ी आ रही है और आगे 4थी पीढ़ी भी आएगी। हमारे गेम को थोड़ा बैकवर्ड समझ आता है, क्यों समझा रही है समझ नहीं आ रही, या शायद ये गरीब बच्चे खेलते हैं इसलिए, वहाँ अमीर खेलते हैं इसलिए। अब आपकी अकेडमी में कितने बच्चे हैं, उनकी क्या अचीवमेंट है? अकेडमी में मेरे पास 50-60 बच्चे हैं, अचीवमेंट अभी पूजा ओलंपिक खेल के आई थी, वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, कॉमन चैम्पियन भी हैं, एशियन मेडलिस्ट भी हैं, काफ़ी तरह के बच्चे हैं, नेशनल चैम्पियन तो बहुत ज़्यादा हैं। तो कैप्टन साहब का कोई फिल्म भी बन रही है? हाँ, वो फिल्म बन रही है, वो बीच में किसी कारणवश रुकी हुई है, शायद सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या मानते हैं बच्चों का भविष्य है, जो बॉक्सिंग में है, कम्युनिटी का कहा जाता है, तो क्या इसमें भविष्य है, बच्चे आने चाहिए? देखो, एक आज मीडियोक्रे परिवार के लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है बच्चों को, खेल के थ्रू हमें जो बच्ची मिलती है और अच्छा खिलाड़ी हो जाता है तो भगवान की दया से आज खेल पढ़ाई से पीछे नहीं है, कुछ आगे भी है, क्योंकि खिलाड़ी एक सेलिब्रिटी होता है। एक IPS को बहुत कम आदमी जानते हैं पढ़ेंगे, लेकिन नीरज चोपड़ा को आज पूरा वर्ल्ड जानता है, ऐसे बॉक्सर विजेंद्र को पूरा वर्ल्ड जानता है। पढ़ाई में आप IPS IAS बन सकते हो ज़्यादा, लेकिन ये सेलिब्रिटी नहीं बन सकते।